जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी। आज का जो मेरा वीडियो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में आप लोगों की जो वैकेंसी निकल के आ रही, 44 वैकेंसी निकल के आ रही, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन आप लोग के यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, फॉर्म डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है जी। नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे वैकेंसी की जानकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू की वैकेंसी है, लो एडिविजन क्लर्क की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड सुखानी की वैकेंसी है, फायरमैन की काफी अच्छी वैकेंसी है, टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी और एमटीएस की आप लोग की वैकेंसी निकल कर रही। फॉर्म आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई 2 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग को लगता है वैकेंसी अच्छी है, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग बताइएगा, मैं फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी तुरंत आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो देखिए और फॉर्म की जानकारी आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, जो भी आप लोग की डिटेल है नोटिफिकेशन से रिलेटेड दिया है। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को डिटेल दिया गया है, ट्रेड रिटर्न एग्जाम और ट्रेड के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की डिटेल दी है, लोअर डिवीजन क्लर्क सिविलियन मोटर ड्राइवर की आप लोग की वैकेंसी की डिटेल दी है, सुखानी फायरमैन की काफी अच्छी वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, टेक्निकल और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आप लोग की वैकेंसी की डिटेल निकल के आ रही है। इसके अलावा आप लोगों की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी है इसकी डिटेल भी आप लोग को दी गई है। और इसमें नीचे आने के बाद आप लोग को जो है एज से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप लोग खुद फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आकर के आप लोग डॉक्यूमेंट की जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आप लोग को भेजने हैं। एक से अधिक फॉर्म आप लोग भेज सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लिफाफे में आप लोग फॉर्म को भेजेंगे। फॉर्म पे कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है, सिर्फ फॉर्म भेजने के पैसे लगेंगे और अंदर आप लोग को एक लिफाफा डालना पड़ेगा, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ जिसमें 22 रुपए का स्टैंप लगा हुआ, ठीक है। एड्रेस आप लोग को दिया हुआ है, जहां भेजना है आप लोग देख लेंगे, यही एड्रेस आप लोग डाल देंगे बाहर वाले लिफाफे पे। इसके अलावा आप लोगों को सिलेबस की जानकारी, रिटर्न और ट्रेड के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला, रिटर्न की जानकारी भी मैंने आप लोग को दे दी है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है जी हाँ। वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके आप लोग वेबसाइट भी देख सकते हैं, इसके अलावा नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। यही है आप लोग की वैकेंसी, बहुत ही ध्यान से आप लोग को सुनना है। यहाँ पे 2 सितंबर से फॉर्म अप्लाई है जो कि 23 सितंबर 2023 तक होने वाले हैं और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, कॉलेज वेलिंगटन ठीक है, तमिलनाडु की आप लोग की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, 4 वैकेंसी, 18 से 27 साल आप लोग की एज मांगी गई है जनरल की। ये जो एज आप लोग की लिखी हुई है जनरल की है, ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 3 साल इसमें ऐड कर लेंगे और एससी एसटी वाले इसमें 5 साल ऐड कर लेंगे। तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 25,500 से 81,100 सैलरी है, 4 वैकेंसी है जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की, 1 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की नहीं है। आप लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी एज 18 से 27 साल है, ओबीसी 18 से 30 साल और एससी एसटी और 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलडीसी की 19,900 से 63,200 सैलरी, 7 वैकेंसी निकल के आ रही है जनरल, ओबीसी एससी की वैकेंसी, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, 18 से 27 साल है जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है 19,900 से 63,200 सैलरी, 5 वैकेंसी है, 3 जनरल की है, 1 एससी की है, 1 एसटी की है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज यहां पे है जनरल वालों की। सुखानी की वैकेंसी है 19,900 से 63,200 सैलरी, 1 वैकेंसी है, जनरल की ही वैकेंसी है, बाकी किसी की वैकेंसी नहीं दी है, तो आप यहाँ पे जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज यहाँ पे 18 से 25 साल जनरल वालों की। फायरमैन में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, 16 वैकेंसी निकल के आ रही है, 19,900 से 63,200 सैलरी आप लोग की, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी को यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। 18 से 27 साल जनरल, ओबीसी 18 से 30 साल, एससी एसटी वाले 18 से 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुक में यहाँ पे 19,900 से 63,200 सैलरी है, 3 वैकेंसी है, तीनों यहाँ पे जनरल की है, तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी एज 18 से 25 साल है। इसी प्रकार से टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी 18,000 से आप लोगों की 56,900 सैलरी है, 1 वैकेंसी है, जनरल की है, एसएसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, तो आप जनरल में अप्लाई कीजिए, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। एमटीएस की वैकेंसी 18,000 से आप लोग की 56,900 सैलरी रहने वाली, 7 वैकेंसी है, 2 आप लोग की यहाँ पे जनरल की है और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी नहीं, तो ओबीसी वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की एज यहाँ पे 18 से 25 साल है और एससी एसटी की एज यहाँ पे आप लोग की जो 18 से 30 साल रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस को एज में बेनिफिट नहीं मिलता, ईडब्ल्यूएस की एज यहाँ पे 18 से 25 यानी जनरल वाली ही रहती है। तो वैकेंसियां देखिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद नीचे आना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जानकारी दी गई है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए और स्किल टेस्ट आप लोग का होगा जिसमें डिक्टेंशन 10 मिनट, 80 बार पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, इंग्लिश और 65 मिनट आप लोग की हिंदी का होना चाहिए कंप्यूटर पे। एलडीसी की वैकेंसी है, यहाँ भी आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए और स्किल टेस्ट यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी
तो यहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट 10 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा। तो दोनों में से किसी एक में टाइपिंग आप लोग को करवाई जाएगी जब आप लोग का टाइपिंग का समय आएगा। चलिए सिविलियन मोटर ड्राइवर की आप लोग को जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोग को जो है सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया, ध्यान रखिएगा। यानी कि हैवी लाइसेंस, 2 साल का एक्सपीरियंस और 12th क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुखाने के लिए 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और स्विमिंग की जानकारी और इसके अलावा सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए, अंडरटेकिंग आप लोग को देना होगा। चलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है और नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया स्मॉल बोट का, ठीक है, और बोर्ड मोटर में आप लोग प्रोफिशिएंट होने चाहिए हैंडल करने के लिए। ये एक्स सेलर हैं आप लोग, रैंक लीडिंग सीमैन ऑफ द एवर इंडियन नेवी के अंतर्गत तो आप लोग अप्लाई कर सकते। तो 12th प्लस सर्टिफिकेट प्लस एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए स्मॉल बोट का, ध्यान रखिएगा। फायरमैन की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास के साथ साथ आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल, जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल आप लोगों से मांगा गया, जी हाँ, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और 6 मंथ ड्यूरेशन का आप लोग का मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लीकेशन ट्रेलर फायर पंप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग। और यहाँ पे आप लोग के पास सर्टिफिकेट भी मांग लिया गया है 6 मंथ का, ध्यान रखिएगा, फायर पंप रिकॉग्नाइज या फिर अंडरटेकिंग जो आप लोग की रिकॉग्नाइज संस्था है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से मांगा गया फिजिकली फिट आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल लाइसेंस भी मांग लिया गया है यहाँ पे और 6 मंथ का यहाँ पे आप लोग का जो है मेंटेनेंस का जो सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोग का मांगा गया। यहाँ पे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया 1 ईयर का, है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाइट आप लोग की विदाउट शूज 165 होने वाली है और यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का आप लोग को यहाँ पे फायदा मिलेगा और चेस्ट 81.5 और फुलाव के बाद 85, वेट आप लोग की मिनिमम 50 केजी होनी चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट होगा उसमें 63.5 केजी 183 मीटर 96 सेकंड में दूरी तय करनी होगी। इसी प्रकार के आप लोग को जो 2.7 मीटर का जो गड्ढा होगा, डिच होगा, उसको आप लोगों को पार करना होगा। इसी प्रकार से क्लाइंबिंग जो चढ़ाई होगी वो 3 मीटर की दोनों पैरों के सहारे, हाथ और पैरों के हिसाब से सहारे से, ठीक है। इसी प्रकार से कुक की जानकारी दिया, 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया, या फिर आप लोग के पास ITI हो कुक का तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। यानी कि 12th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस या फिर ITI प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए आप लोग ITI होने चाहिए यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए और 1 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ITI हो या फिर 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। चलिए MTS ऑफिस ट्रेनिंग वगैरह MTS स्टाफ की जो वैकेंसी है इसमें 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी सभी ट्रेडों की मैंने आप लोग को दे दी है, एज 23 सितंबर 2023 को आप लोग की यहाँ पे काउंट होने वाली है। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लेंगे, ओबीसी ST जैसा मैंने आप लोग को बताया आप लोग को बेनिफिट मिलेगा 3 साल और 5 साल का। लास्ट डेट आप लोग की 23 सितंबर 2023 है। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करना है और सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आप लोग को दी है, जी हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे फोटोकॉपी लगाएंगे और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप लोग को भेजना है। फिर चाहे वो 10th 12th का सर्टिफिकेट हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, एक्सपीरियंस हो, ST OBC हो, इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस एनवलप आप लोग अंदर भेजेंगे जिसमें कि 22 रुपये का टिकट लगा हो, आप लोग का एड्रेस लिखा हो, बाहर वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लिखेंगे और ये आप लोग का एड्रेस दिया द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन नीलगिरी 643231 तमिलनाडु का आप लोग का एड्रेस है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला, रिटर्न एग्जाम में आप लोग का जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग आएगी, आप लोग की मैथ आएगी, GK आएगी और इंग्लिश आएगी और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को जानकारी दे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग का पेपर रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, फिर आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए जो भी आप लोग का फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है और अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिया गया है, कोई DAT आप लोग को नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए, यानी कि रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के लिए। रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट आप लोग का DSSC विलिंगटन में ही आप लोग का होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया आप लोग की जॉब की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है, लेकिन आप लोग का एग्जाम DSSC वेलिंगटन में ही आप लोग का होने वाला है, ठीक। ईच पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म आप लोग को यहाँ पे भेजना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म की डिटेल कंप्लीट कर दी, अब मैं आप लोग को फॉर्म की जानकारी देना हूँ, नोटिफिकेशन की जानकारी दीजिए। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की डिटेल देंगे, नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, आधार कार्ड नंबर देंगे, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी आप लोग को भेजनी है, मोबाइल नंबर देंगे, एक या दो, एक है तो एक, दो है तो दो, ईमेल एड्रेस दे देंगे, रोल नंबर का आप लोग छोड़ देंगे और इसके बाद आप लोग डेट एंड रिटर्न एग्जाम वगैरह इसकी डिटेल डेटा आप लोग ये छोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका लेंगे और सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, यानी कि आप लोग अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे डेट सेल्फ अटेस्टेड लिख के डेट डाल देंगे, ठीक है, आधा फोटो पे आधा फोटो के नीचे होना चाहिए।
चलिए ये सब नौवां आठवां नौवां दसवां आप लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद कैंडिडेट कॉपी है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आप लोग को भरना होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे फोटोग्राफ आप लोग छिपाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये भी आप लोग छोड़ देंगे ठीक है, डेट एंड टाइम वगैरह और ये वेन्यू ये सब चीजें, यानी कि 8, 7, 8, 9, 10 इसमें भी छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आना, जहां पे आप लोग को सिग्नेचर के लिए बोला जाए वहां पे सिग्नेचर आप लोग जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कंट्रोलिंग ऑफिसर का बोला जा रहा है वहां पे आप लोग नहीं करेंगे, जहां पे आपके सिग्नेचर पूछे जाए वहां आप लोग करेंगे अपने सिग्नेचर। ये ऑफिस यूज के लिए है तो इसे भी आप लोग छोड़ देंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप लोग लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में जो कि 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के अनुसार होगा ठीक है। आपके फादर का नेम लिखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को लिखा जाएगा 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, यहाँ फोटो चिपकाएंगे आप लोग, उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और इसके अलावा एज आप लोग की क्या है, लास्ट डेट यानी कि 23 सितंबर 2023 को आप लोग की एज क्या है वो आप लोग लिखेंगे, कितने ईयर कितने मंथ और कितने डेज के आप लोग हो गए हैं, एससी कैटेगरी जिस फॉर विच अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं किस कैटेगरी के आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे ठीक है। यदि एससी एसटी ओबीसी जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पे आप लोग टिक करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए, सबसे पहले 10th की डिटेल देंगे, फिर 12th, डिप्लोमा, आईटीआई वगैरह जो कर रखा होगा फिर आप लोग उसकी डिटेल दे देंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई है तो उसकी डिटेल दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके अलावा आप लोगों को नीचे आना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह ठीक है, ये आप लोग सेंट्रल एम्प्लॉई है तो ही आप लोग इसे भरेंगे, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ देंगे ठीक है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप लोग को देना पड़ेगा, और आधार कार्ड नंबर आप लोग को देना होगा, एड्रेस लिखना होगा कैपिटल लेटर में आप लोग लिखेंगे, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता जहां पे आप लोग अभी रह रहे हैं, जहां पे लेटर सेंड किया जाएगा लाइन 1 लाइन 2, इसके अलावा तालुक आप लोग का क्या, डिस्ट्रिक्ट क्या, पिन कोड क्या, स्टेट क्या है वो आप लोग लिखेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जहां के आप लोग मूल निवासी है ठीक है, दोनों एड्रेस सेम है तो सेम लिख देंगे, अलग अलग तो अलग अलग लिख देंगे। यदि दोनों सेम है तो सेम है इस पे बॉक्स पर टिक कर देंगे, इसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे और इसे आप लोग भरेंगे। चलिए इस प्रकार से एड्रेस ईमेल आईडी दे देंगे, इसके बाद नीचे प्लेस लिख देंगे जहां से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, डेट आप लोग डेट जो भी है आप लोग की 23 जो भी जिस भी डेट को आप लोग लिख रहे हैं 10, 12, 15 सितंबर ठीक है 2023 यहां पे आप लोग अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, साधारण डाक से भेजिए, स्पीड पोस्ट से भेजिए, रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, जैसे भी भेजिए कोई दिक्कत नहीं, समय कम है तो आप लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर ही करें ताकि फॉर्म आप लोग को पहुंच जाए। इसके अलावा कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, फॉर्म अप्लाई करना है, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पर कहूंगा यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगातार। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।